एक दिन पहले ही लोकसभा ने ट्रिपल तलाक बिल पास किया और ये 31 तारीख को राज्यसभा में आने वाला है। तो आप क्या चाहती हैं कि इसे बिना पॉलिटिसाइज करके पूरे मतलब बिल को एक रूप दे दिया जाए कम्प्लीटली? मैं ट्रिपल तलाक के खिलाफ जो कानून पास हुआ है लोकसभा में उसका पूरी तरीके से स्वागत करती हूँ। मुझे लगता है कि ट्रिपल तलाक एक अमानवीय तरीका है अपनी बीवी को छोड़ने का। ये कोई तरीका नहीं होना चाहिए। इस देश में ट्रिपल तलाक की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ख़त्म होना चाहिए। पर साथ ही मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि निकाह हलाला पे क्यों आप कानून नहीं लेकर आए? क्या निकाह हलाला उनको स्वीकार है कि निकाह हलाला हो हमारे देश में? मेरे को स्वीकार नहीं है। मुझे लगता है कि निकाह हलाला एक और भी ज़्यादा ईविल प्रैक्टिस है, गंदी प्रैक्टिस है जो ख़त्म होनी चाहिए। तो इसी कानून में निकाह हलाला के ऊपर बात क्यों नहीं हो रही, ये मैं सरकार से जानना चाहती हूँ। साथ ही मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री से जानना चाहती हूँ, इस देश में ऐसे बहुत आदमी हैं जो कि हर धर्म से बिलोंग करते हैं, जो सिर्फ अपनी बीवी को छोड़ देते हैं, वो डिवोर्स तक नहीं देते। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री भी उनमें से एक हैं जिन्होंने अपनी बीवी को छोड़ा हुआ है और वो उनको डिवोर्स तक नहीं दे रहे हैं और वो उनको साथ भी नहीं रखते। तो मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहती हूं कि वो अपने खिलाफ और ऐसे इस देश के जितने भी आदमी हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? जो आदमी अपनी बीवी को बिना ट्रिपल तलाक दिए भी छोड़ के जा रहा है, मेरे हिसाब से उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए।